सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंस्टा स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हो वो भी म्यूजिक के साथ, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बिल्कुल न्यू ट्रिक लाया हूँ, जिससे आप मात्र 2 मिनट के अंदर किसी भी पर्सन का ऐप या खुद का इंस्टा स्टोरी इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको फुल डिटेल्स बताते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है तभी आप इंस्टा स्टोरी को इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने फोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ इंस्टाग्राम को अपडेट कर देना है। अगर आपका इंस्टा अपडेट नहीं है तो जो भी मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा, जो भी ट्रिक बताऊंगा, वो आपके फोन में वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है, उसके बाद ओपन कर लेना है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना खुद का या किसी भी पर्सन का कैसे इंस्टा स्टोरी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जिस भी पर्सन का स्टोरी डाउनलोड करना है उसकी स्टोरी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे नीचे ऑप्शन मिलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी लिंक का, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आप स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हो उसका लिंक आपको आपने कॉपी कर लिया है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि फिर आप उसे कैसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको वेबसाइट सर्च करना है उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है, तभी आप अपना स्टोरी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड। जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड तो यहाँ पर आपको कई सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पे एक वेबसाइट मिलेगा स्टोरी सेवर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट इंस्टाग्राम लिंक हियर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो भी आप लिंक कॉपी किए हैं यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे हो सकता है आपको यहाँ पर एक छोटा सा ऐड देखने को मिले, तो यहाँ पर आपको ऐड देख लेना है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको कैंसिल कर देना है। जैसे ही आपका ऐड कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जिस भी पर्सन का आपने स्टोरी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर उसका लिंक फिलअप किया था वो स्टोरी आपको यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा और उसके नीचे ही आपको डाउनलोड का बटन भी मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है डाउनलोड वाले पर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं जो भी आपका स्टोरी था वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मात्र 1 या 2 मिनट के अंदर आपका स्टोरी डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी मैंने स्टोरी डाउनलोड किया है वो स्टोरी डाउनलोड हो चुका है। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोन के गैलरी में। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने अपने फोटोज ऐप को सर्च कर लिया है। उसके बाद जो भी मेरा स्टोरी डाउनलोड हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, वो स्टोरी म्यूजिक के साथ यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।